सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपके पुराने मोजों से आप अपने दुर्भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, कर्ज से मुक्त कैसे हो सकते हैं, दरिद्रता को कैसे हटा सकते हैं, ये बहुत ही खास जानकारी आपको दे रहा हूं जो अंग शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में, अंग शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में, समुद्र शास्त्र में हमारे ढेरों शास्त्र हैं और सभी में हजारों नहीं लाखों ऐसे उपाय दिए गए हैं दोस्तों जो कि आपकी तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर कर सकते हैं। बस जरूरत होती है इन जानकारियों तक पहुंचना, इन जानकारियों तक पहुंच करके इन जानकारियों को फॉलो करके इन रेमेडीज को अपनी लाइफ में अमल करके इन रेमेडीज को करना। दोस्तों हमारे जो शास्त्र हैं इनकी जो जानकारियां होती है बहुत ही पावरफुल है। अगर सही विधि से, सही तरीके से जानकारी अगर सही प्राप्त हो और सही तरीके से कर ली जाए तो 100% वर्क करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन तक जिस जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम इनका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्राचीन जानकारियां लेकर के आता हूं और आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं ये आपको पुराने मोजे से करना है, एक बार करना है और इसका रिजल्ट आप साफ साफ देख पाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, खुद ही ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, ये सब चीजें दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपकी बॉडी के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, जो कपड़े आप पहनते हैं इसमें आपकी बॉडी की एनर्जी रहती है। आपकी पूरी बॉडी में 9 planets है, यानी कि पूरे 9 planets का कहीं ना कहीं कुछ पार्ट होता है। आप लोग जो कपड़े पहनते हैं तो उसमें इनकी क्या एनर्जी आ जाती है। काफी लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े जो होते हैं, अपने अंडरवियर्स होते हैं, बनियान होती हैं, इनका पोछे का कपड़ा बना लेते हैं और ये जब आप जमीन में जब इसको रगड़ते हैं, मतलब कि जमीन में घिसते हैं, तो इससे होता क्या है कि ये प्लैनेट जो है ये अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और इनका रिजल्ट जो होता है ये अपना अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बताऊंगा कि यदि आप अपनी रसोई में पुराने कपड़ों से पोछा वगैरह लगाते हैं तो यहां पर आप खुद ही दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं। तो कभी भी दोस्तों आपको भूल करके ये नहीं करना है कि जो पुराने कपड़े से अगर आप कभी भी अगर पोछे का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो आपको कपड़ा अपनी रसोई में शुद्ध कपड़े को ही यूज करना, मतलब कोरे कपड़े को यूज करना है। आपकी रसोई में अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है, और जितने भी आपके रसोई में जो मसाले वगैरह होते हैं, जो भी सामान रखे होते हैं, ये सभी किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड होते हैं। और यदि आप घर में यदि अपने पुराने कपड़ों से पोछा वगैरह लगाते हैं तो गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, शत्रु, ये कर्जा, ये सब परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा जो टिप्स आपको दे रहा हूं कि आपको करना क्या है, जब भी घर में पोछा लगाते हैं पुराने कपड़ों से ना लगाए, ठीक है। पुराने कपड़े जो होते हैं किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड होते हैं, आपके बॉडी के पार्ट से रिलेटेड होते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी इसमें होती है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ना। तो आज ये तो छोटा सा टिप्स यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी परिवर्तन नजर आएगा। और दूसरी चीज एक और बताऊंगा कि आपके सिर के ऊपर से कोई भी चीज अगर टूटी फूटी है, जैसे कि पर्दे हैं और आपके सिर से ऊंचाई में और पर्दे फटे हैं या फटे पुराने कपड़े हैं, तो वो आपको तुरंत ही हटा देना चाहिए। इससे आपके राहु ग्रह आपको बहुत ज्यादा अशुभ फल देते हैं। कुछ टिप्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है और जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसके कारण भी हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं। और मैं हर वीडियो में छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप लोगों को देता रहता हूं जिससे कि आप लोगों को काफी लाभ मिले, बेनिफिट मिले। और मोजे का जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों ये आपके दुर्भाग्य को, कर्ज को, गरीबी को, कंगाली को, मतलब बैड लक जो चल रहा है लाइफ में, ये टोटल खत्म कर देगा। मोजे जो होते हैं आपके पैरों में शनि होते हैं, शनि के साथ में राहु केतु होते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग दोस्तों सिर्फ एक बार का रहेगा और एक बार में आपको इतना चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी।
ठीक है, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी। तो दोस्तों देखिए, किसी भी शनिवार के दिन में, बुधवार के दिन में और रविवार के दिन में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। मोजे आपको ऐसे लेने हैं जो बिल्कुल घिस पिट गए हों, ये नहीं कि आपने आज मोजे लेकर आ रहे हैं, यूज किया दो चार दिन और इससे यूज कर रहे हैं, नहीं, आपको मोजे ऐसे लेने हैं जो आप यूज करते हैं और इन मोजों को कम से कम घिस पिट गए हों, एकदम खराब हो गए हों, ठीक है। तो सूरज ढलने के बाद में शनिवार, बुधवार या फिर रविवार, शनिवार करेंगे बेस्ट होगा, क्योंकि शनि जो होते हैं, शनि के साथ में राहु केतु ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर तीनों ग्रह एक साथ बैलेंस होंगे। बुधवार को करेंगे तो आपके राहु बैलेंस होंगे, और रविवार को करेंगे तो राहु केतु बैलेंस होंगे, और तीनों को एक साथ बैलेंस करना है तो शनिवार के दिन में कर लीजिए, सूरज ढलने के बाद में, है ना। आपको जो आपके पुराने मोजे होते हैं, कम से कम आपको इनको एक हफ्ते तक रगड़ के पहनना है, मतलब पुराने मोजों को पहनना है, फिर उनको धोना नहीं है आपको। एक मोजा लेंगे आप, इसको ले जाकर के किसी भी तिराहे पर आपको रख देना है, ठीक है, चुपचाप कोई देखे ना, क्योंकि टोटके कहलाते हैं, ठीक है। टोटकों में यदि किसी प्रकार की टोक हो जाती है तो फिर वर्क नहीं करती है रेमेडीज। तो आपको एक मोजा ले जाएंगे और इसको ले जाकर के किसी तिराहे में आपको रख देना है सूरज ढलने के बाद में। दूसरा मोजा आपको लेना है वो आपको, हाँ एक चीज याद रखना है कि जब भी कोई रेमेडीज करते हैं तो अपने इंटेंशन दिमाग में क्लियर रखें, आप किस लिए इस रेमेडी को कर रहे हैं। तो यदि आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं, बीमारी से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, व्यापार में वृद्धि हो, मतलब जिस भी पर्पस को लेकर के इस प्रयोग को कर रहे हैं, अपने दिमाग में उस चीज को रखें कि मैं इसलिए इस प्रयोग को कर रहा हूँ, इस चीज से मुक्ति के लिए और इस चीज की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, है ना। तो एक उठाएंगे सूरज ढलने के बाद में, शनिवार के दिन में तिराहे में रख के आ जाएंगे। और दूसरा आपको ये करना है कि आपको पहले से कोई ऐसा पेड़ देख लेना है जो आपकी बिल्कुल हाइट के बराबर हो, ठीक है, कोई भी पेड़ चलेगा, बस आपकी हाइट के बराबर हो। तो दूसरा मोजा ले जाकर के वही इंटेंशन रख करके और अब उसमें उसको जो आपकी हाइट के बराबर होगा उसमें आपको टांग देना है, एक बार ये प्रयोग करना है। कहा जाता है कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपकी 23 है या 24 है या 25 है, तो जिस जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक होगा उतने दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी एक है, दो है, अगर एक है तो एक दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, दो है तो दो दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, तीन है तो तीन दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में, अंग शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि जितनी आपकी तारीख होगी, जन्म तारीख होगी, उसी उतने दिन के अंदर आपको इसका सटीक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों जानकारी बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही गुप्त है और बहुत ही पावरफुल है, आजमा करके देखिए, कोई खर्चा इसमें आपका लगना नहीं है, है ना, कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र करना नहीं है आपको, अपने पुराने मोजे से इस प्रयोग को करना है, करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और दोस्तों आप लोग यदि अपने किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस हो सकता है, या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट जो है जो अनबैलेंस हो सकता है, कोई भी प्लैनेट यदि बर्थ चार्ट में अनबैलेंस होता है तो कोई भी रेमेडीज करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जब तक इन प्लैनेट को बैलेंस ना किया जाए। तो ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा घर का यदि वास्तु अनबैलेंस होता है, घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र किया कराया, टोना टोटका या हाय बद्दू ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। तो घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, कोई पूजा विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसका समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं, आपके फेस के द्वारा, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको आपके हर एक समस्या का समाधान दिया जाएगा, कर्ज बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी आपकी जो समस्या है, आप उसका जो रेमेडीज दी जाएंगी 7 से 11 दिन में आप सटीक रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि फेस रीडिंग और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 100% आपकी हेल्प की जाएगी, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं आप सब लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में,
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।